हेलो दोस्तों, हम बात करते हैं एमएस स्वामीनाथन वर्सेस ग्रीन रिवॉल्यूशन की। तो एमएस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड आर्किटेक्चर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति का पूरा ढांचागत संरचना तैयार किया था कि किस क्षेत्र पे कैसे काम करना है, जिसको नाम दिया गया था केमिकल बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, अर्थात कृषि में बीज से लेके खाद फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड और उपकरण, यहाँ तक कि भंडारण और साख जैसी संरचनाओं पे सुविधाओं पे किस प्रकार परिवर्तन किया जाएगा। एमएस स्वामीनाथन मैक्सिको में काम कर रहे कृषि वैज्ञानिक जो जर्मनी से संबंधित थे, नॉर्मन बोरलॉग से प्रभावित थे। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने मैक्सिको में गेहूं के फसल में उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए केमिकल बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी पर जिस प्रकार से रिसर्च किया, उसी रिसर्च को भारत में लागू करने का काम भारतीय कृषिगत ढांचा के अनुसार एमएस स्वामीनाथन ने किया। इस वजह से भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। यह रिसर्च 1960 के दशक में चल रहा था और भारत में भी 1960 के दशक में यह लागू हुआ। 1960 के दशक में लागू करने का उद्देश्य क्या था? अब थोड़ी सी परिस्थिति की बात करते हैं। आजादी के बाद 1947 में हमें नई नई आजादी मिली थी। इस आजादी से हमने नई स्वतंत्रता का स्वाद चखा था और इस स्वतंत्रता की खुशी में हमने विकास किया तो किया, वो बहुत धीमी दर से, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि दिल खोल के किया। यानी जनसंख्या में जिस दर से वृद्धि हुआ, उस दर से वृद्धि विकास के प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में नहीं हुआ। अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र में उस दर से विकास नहीं हुआ जिस दर से जनसंख्या में वृद्धि हुआ, अर्थात मांग के हिसाब से आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पाई। विश्व की सबसे बड़ी मुद्दे की बात करें तो वो है खाद्य सुरक्षा। भारत भी इससे अछूता नहीं था। भारत में भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना पहली जिम्मेदारी थी। जनसंख्या जिस दर से बढ़ रही थी, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम पूरे विश्व में सबसे पहले भारत में चलाया गया, लेकिन आज भी हम अपनी जनसंख्या को लेके किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं कर पाए हैं। ठीक है, खैर उसके बाद में बात करेंगे, टॉपिक से अलग हो जाएगा। अभी बात करते हैं किसके, ग्रीन रिवॉल्यूशन की। तो जनसंख्या बढ़ी तो डिमांड बढ़ा, भोजन का डिमांड बढ़ा और हमारी जो कृषि पद्धति है वो क्लासिकल है, यानी कि पारंपरिक है। पारंपरिक यानी हम हल का प्रयोग कर रहे हैं, गोबर की खाद का प्रयोग कर रहे हैं, सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी स्तर पे बहुत व्यापक परिवर्तन नहीं हुआ है। कुछ जगह पे डैम तो बने हैं, जैसे भाखड़ा नांगल डैम फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बना और व्यास परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, तो कुछ विकास हो रहे थे, लेकिन जिस आधार पे जनसंख्या की वृद्धि थी उस आधार पे ये सुविधाएं बहुत नाकाफी थी। और उसके साथ ही हमारी कृषि मानसून पे डिपेंड है। अच्छा मानसून, अच्छा कृषि, मानसून की वर्षा में कमी तो भारत में सूखा और अकाल, सूखे और अकाल से महामारी कुपोषण जैसी बीमारियां, जिससे करोड़ों लोग उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर भारत, दक्षिण भारत में मरते थे। और इस बात का दुख एमएस स्वामीनाथन को हुआ और उन्होंने मैक्सिको में रिसर्च कर रहे नॉर्मन बोरलॉग की टेक्नोलॉजी और रिसर्च से प्रभावित होकर भारत में हरित क्रांति शुरू किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्रांति कब शुरू हुई, 1960 के दशक में। भारत में कौन लाया, एमएस स्वामीनाथन। हाल ही में 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया चेन्नई में, इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है। और इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925, यानी कि औपनिवेशिक भारत में जन्म हुआ और औपनिवेशिक भारत से लेके आजाद भारत तक की सभी समस्याओं को इन्होंने देखा, आकलन किया,
इसके बाद इन्होंने भारत में एक नई क्रांति लाई, ग्रीन रिवॉल्यूशन। इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण, यहाँ तक कि एशिया का नोबेल रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया है। ये बात हो गई एमएस स्वामीनाथन की। अब बात करते हैं हरित क्रांति की। तो हरित क्रांति भारत में 1960 के दशक में आया। किस किस फसल पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा? गेहूं और धान की फसल पर। किस क्षेत्र में इसको प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया और ज्यादा क्षेत्र पे प्रभाव पड़ा? तो वो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तरी उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश का पंजाब हरियाणा के बाद जो संलग्न एरिया है उसकी बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। इसके अलावा अन्य जगहों पे भी प्रभाव पड़ा, लेकिन इनकी तुलना में प्रभाव कम पड़ा। क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा चावल और गेहूं का उत्पादन उत्तरी भारत में ही होता है। दक्षिण भारत में डेल्टा क्षेत्र में भी कृषि उत्पादन होता है, तो वहां पे भी इसका प्रभाव पड़ा केवल चावल पे। गेहूं की उत्पादकता देखेंगे तो पंजाब हरियाणा इधर ज्यादा प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो इस वजह से आप देखोगे एक चीज बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो गई कि उत्तर भारत में अनाजों का उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया, जबकि अन्य राज्य जो है इसके तुलनात्मक जहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रभाव नहीं पड़ा वहां पे उत्पादकता कम हो गई, जिससे किसानों में असमानता उत्पन्न हो गई आय के आधार पे। तो असमानता क्या हो गई कृषि क्षेत्र में बढ़ी, ठीक है, ये इसकी प्रॉब्लम थी। बात करते हैं जिस क्षेत्र में, यानी यदि हम बात करें हरित क्रांति के पूर्व की, तो एक हेक्टेयर क्षेत्र में जहां 1300 किलोग्राम अनाज उत्पादन होता था, वहीं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद एक हेक्टेयर में लगभग 3200 किलोग्राम उत्पादन होने लगा, एकदम भर भर के उत्पादन हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके इस टेक्नोलॉजी के तहत हुआ क्या, ऐसा क्या परिवर्तन हुआ, किस किस क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, उस टॉपिक को नाम दिए हैं हरित क्रांति के घटक। हरित क्रांति के घटक के तौर पे सबसे पहला परिवर्तन बीज में हुआ। जो सामान्य बीज यूज होता था, एक बार अनाज उत्पादन करने के बाद उसी अनाज से कुछ भाग अगले बार बीज के लिए रख दिया जाता था, उसकी जगह हाइब्रिड के बीज स्टार्ट हो गए। क्या स्टार्ट हो गए? हाइब्रिड बीज, जिन पे मौसम का असर कम हो रहा था, जिनकी उत्पादकता बहुत ज्यादा थी, जिन्हें उत्पादन करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ऐसे बीजों को बहुत ज्यादा उर्वरक की जरूरत पड़ी। और हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से गोबर की खाद प्रयोग हो रही है, इससे उत्पादकता बढ़ने वाली नहीं थी। तो भारत में इसी समय से रासायनिक उर्वरक का प्रयोग प्रारंभ हुआ। कौन कौन सा? यूरिया, पोटास, डाई, जो आप आजकल यूज करते हो, वो शुरू हुआ कहाँ से? हरित क्रांति की शुरुआत से। तो यही इसी समय एनपीके नामक उर्वरक बहुत प्रचलन में आया, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटास। और इसका रेशियो जो था वो रखा गया 4:2:1, यानी 4 kg नाइट्रोजन यदि खेत में डाला जाएगा तो 2 kg फॉस्फेट और 1 kg पोटास यूज किया जाएगा। जो किसान हमारे यहाँ बहुत ज्यादा शिक्षित है, समझ रहे हैं, तो उनको समझ में आती नहीं है, वो बोलते हैं कि बीज डालो, खाद डालो, एकदम मजे मजा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी दे रही है खाद पे ताकि उत्पादकता बढ़ जाए। उसके बाद जब ज्यादा मात्रा में उर्वरक प्रयोग किया तो सिंचाई की भी जरूरत पड़ी, इरिगेशन बहुत ज्यादा चाहिए, ज्यादा खाद यूज करोगे तो खाद देने के बाद खेत में पानी चाहिए, तो उसी पानी में जो खाद है वो घुल जाता है और जाइलम के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अब सिंचाई के लिए क्या क्या डेवलप होगा? नहर डेवलप होगा, बांध बनेंगे, तालाब डेवलप होंगे। अब तकनीकी रूप से भी सुधार किया जाएगा, सबमर्सिबल बनेगा पानी निकालने के लिए, और ग्राउंड वाटर के थ्रू इरिगेशन ज्यादा हो रहा था तुलनात्मक नदी और तालाब से। तो ग्राउंड वाटर का एक्सक्रीशन यानी उस निष्कर्षण ज्यादा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से भूमिगत जल में कमी आई। उसके बाद कीटनाशक बीज को बचाने के लिए कीटों से और जीवाणु और वायरस संबंधी बीमारियों से कीटनाशक और जीवाणु नाशक जैसे पेस्टिसाइड यूज होना शुरू हो गए कीटनाशक। और इस कीटनाशक के बाद और खरपतवार को भी नाश कर, बड़े क्षेत्र में खेती होना शुरू हो गई ना, क्योंकि
अब उपकरण का प्रयोग होने लगा, ट्रैक्टर बनने लगे, तो हल से जुताई की जगह ट्रैक्टर आ गया, तो बड़ी क्षेत्र में उत्पादन शुरू हो गया। तो बड़े क्षेत्र में उत्पादन के कारण अब खुरपी से कौन घास निकालेगा, तो हमने हर्बिसाइड यूज किया, खरपतवार नाशक दवा छिड़ी तो सारे घास सूख गए। और इन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उत्पादकता लगभग 250% बढ़ गया, समझ रहे हैं। और किसानों के पास भर भर के अनाज शुरू हो गया, और जब भर भर के अनाज हुआ, यानी उत्पादन की वजह से अनाज बहुत ज्यादा अमाउंट में उत्पादित हुआ, तो अब हमें क्या चाहिए, भंडारण की सुविधा चाहिए, और इस अनाज का सभी लोगों तक डिस्ट्रीब्यूशन हो, नहीं तो अनाज उत्पादन करके मिलेगा क्या, तो वितरण की सुविधा चाहिए। इसी समय पीडीएस आया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लोगों तक अनाज कैसे पहुंचे। उसके बाद विपणन मार्केट तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधन का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, परिवहन के लिए ट्रैक्टर वगैरह ट्रक वगैरह बनना स्टार्ट हो गए, समझ रहे हैं कि इकोनॉमी के हर सेक्टर में परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद साख बैंकिंग फैसिलिटी भी चाहिए किसानों को, क्योंकि हर बार नई बीज खरीदनी पड़ेगी। अब ये बीज तो हम अगली बार उत्पादन नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी प्रजनन क्षमता क्या हो गई है, निष्क्रिय कर दी गई है। तो इस वजह से HYV बीज यानी हाई यील्ड वैरायटी, उच्च उत्पादकता के बीज खरीदने के लिए पैसे चाहिए, रासायनिक उर्वरक के लिए पैसे चाहिए, सिंचाई के लिए बिजली की सुविधा चाहिए, उसके साथ साथ बिजली का कॉस्ट भी देना पड़ेगा, कीटनाशक के लिए, रासायनिक खरपतवार के लिए पैसे चाहिए, भंडारण के लिए जहाँ स्टोरेज में रखोगे उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब किसानों को ऋण की जरूरत पड़ेगी, तो इसी समय नाबार्ड जैसे बैंक भी स्थापित होंगे, ताकि किसानों को सस्ते ऋण प्रोवाइड किए जा सके, समझ रहे हैं बात को। इस तरह से ढांचागत परिवर्तन हुआ और भारत में उत्पादकता बहुत बढ़ी, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई। लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुआ कि अवेयरनेस नहीं हो पाई, जागरूकता हमने नहीं अपने किसानों को दिया, और हमने दूर दृष्टा नहीं रखा कि इन चीजों का प्रयोग करके हम पर्यावरण के जो मृदा है, जो हजारों साल में 1 सेंटीमीटर मृदा बनती है, उसका दोहन कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं, उसकी क्षमता को कम कर रहे हैं। 10 से 15 साल बाद जब उर्वरक का प्रयोग होता गया तो अगली बार और ज्यादा उर्वरक की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि मृदा की उत्पादन क्षमता कम होने लगी। तब रिसर्च करने लगे कि अब तो भारतीय कृषि संकट में आ गई, पर्यावरण संकट में आ गया। तो जब रिसर्च होना शुरू हुआ तो निकल के आया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। अभी तो खूब खुश हो रहे हैं, अब क्या इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट हो, जब तक इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है तब तक ये सोच रहे हैं कि बहुत अच्छी चीज है। चीज तो अच्छी है, लेकिन हमको बहुत शॉर्ट टाइम के लिए नहीं सोचना है, हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए ना, सतत विकास चाहिए। उस सतत विकास के लिए अब क्या करना, प्रॉब्लम क्या क्या आई, तो प्रॉब्लम के बाद फिर सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो प्रॉब्लम की बात करते हैं कि हरित क्रांति के प्रभाव बेसिकली दो सेक्टर में कैटेगराइज करेंगे, सोशल एंड इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट यानी पर्यावरणीय प्रभाव। जब सामाजिक प्रभाव की बात करेंगे तो आप देखोगे कि इस टेक्नोलॉजी का प्रभाव कहाँ पड़ा, गेहूं और धान की फसल पे, मुख्य दो फसलों पे, और मुख्य दो फसलों पे प्रभाव पड़ने से जो किसान इन फसलों का उत्पादन कर रहे हैं उनकी आय में तो वृद्धि हुई, और जो किसान सरसों का, तिलहन का, ज्वार, बाजरा का उत्पादन कर रहे हैं उनकी आय में तो कमी हुई, यानी कमी नहीं हुई, इसकी तुलना में वो कम रह गए, तो आर्थिक असमानता क्या हुई, बढ़ी, यानी राज्यों के बीच में आर्थिक असमानता बढ़ी। उसके साथ ही जिन किसानों के पास ज्यादा मात्रा में खेत थे उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का भरपूर लाभ लिया, और जिनके पास छोटे खेत हैं उनको इस टेक्नोलॉजी का कोई लाभ नहीं मिला, तो क्षेत्रीय असमानता भी बढ़ी। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम क्या हुआ, अंतर व्यक्तिगत और अंतर क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई। उसके साथ ही जब हरित क्रांति से उत्पादन बढ़ना स्टार्ट हुआ तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम भी धान और गेहूं की खेती शुरू कर दें। तो जहां दलहन का, तिलहन का, ज्वार का, बाजरा का खेती हो रहा था, सिंचाई सुविधा होने की वजह से लोग किधर की तरफ मोल्ड होना शुरू हो गए, गेहूं और धान, तो फसल विविधीकरण हमारे यहाँ कम हो गया।
यानी फसल चक्र केवल दो फसलों तक सीमित हो गई, जिससे मृदा की उत्पादकता भी प्रभावित हुई और अन्य फसल की पूर्ति भी मार्केट में प्रभावित हुई, ये भी समस्या शुरू हो गई। इसके बाद आर्थिक प्रभाव में देखते हैं, आर्थिक प्रॉब्लम में वही असमानता, आय की असमानता बढ़ेगी और संतुलित आय की असमानता बढ़ेगी, यानी भारत में जो किसान है कुछ की आय बहुत ज्यादा, कुछ की बहुत कम। उसके बाद असंतुलित फसल प्रतिरूप, जैसा कि अभी मैंने बताया, और जब धान की खेती होना शुरू हो गई बड़े पैमाने पर, तो लंबे समय तक खेतों में पानी का रुकाव हुआ, और जब लंबे समय तक पानी का रुकाव हुआ तो मच्छर उत्पन्न हुए, तो मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड जैसी बीमारियां भी स्टार्ट हो गई। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में हमने रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक प्रयोग किया, तो इन्होंने भी, ये भी वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, मृदा को प्रदूषित कर रहे हैं, और सिंचाई के बाद ये रिस कर ग्राउंड वाटर में जा रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर को पोल्यूटेड कर रहे हैं। इसलिए आप देखोगे कि पंजाब में नाइट्रोजन पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं, वहाँ के बच्चों में, वहाँ के जल में नाइट्रोजन का पोल्यूशन ज्यादा है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, यानी बच्चों के मुंह से नीला झाग निकलता है, ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। फिर रिसर्च चली रहा है। उसके बाद पर्यावरणीय समस्या में देखो कि सॉइल की फर्टिलिटी लगातार क्या हो रही है, घट रही है। स्टार्टिंग में तो खूब बढ़ी, लेकिन हमने इसका सस्टेनेबल और अवेयरनेस के साथ यूज नहीं किया, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी रेट लगातार क्या हो गई, घटती गई। एक्सेस अमाउंट में रासायनिक उर्वरक से, कीटनाशक से, खरपतवार नाशक से मिट्टी में उपस्थित छोटे छोटे कीट मरना शुरू हो गए, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जो ह्यूमस को डिकम्पोज करके मिक्स करते हैं, तो यहाँ पे भी मृदा की हेल्थ प्रभावित हुई। यहाँ पे गंभीर पारिस्थितिक संकट के तहत क्या आएगा, मृदा का मरुस्थलीकरण, यानी मृदा की उत्पादकता में कमी। ठीक है, उसके बाद अब यही जो हमने पेस्टिसाइड यूज किया, जो हमने खरपतवार नाशी यूज किया, ये रिस कर जल में गए, और उसी जल से हमने सिंचाई किया तो पौधे उसे अवशोषित किए, तो जो कंटामिनेशन है, प्रदूषक है, वो पौधे में गए। अब उसी पौधे को, उसी साग को, उसी सब्जी को फिर हम खाएंगे तो ये हमारी बॉडी में आएंगे। तो इस प्रकार से हमारी खाद्य श्रृंखला में जो विषाक्तता है उसमें क्या हो गया, वृद्धि हो गया, ये प्रभाव दिखना स्टार्ट हुआ। पर्यावरण प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, आर्थिक असमानता तो सेकेंडरी है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम इसको हटा सकते हैं। असंतुलित फसल प्रतिरूप, हमारे यहाँ जो दाल खाने के प्रोटीन के मुख्य सोर्स थे उसकी हैबिट में कमी आना शुरू हो गया, हमारे यहाँ तिलहन का उत्पादन घट गया, बाजरा का जो श्री अन्न के रूप में अभी प्रेजेंट में जिसके उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है उसका उत्पादन घट गया, लोग गेहूँ और चावल की तरफ उन्मुख होना स्टार्ट हो गए, तो अर्थव्यवस्था में बहुत व्यापक परिवर्तन हुआ। और जो 2002 के दशक आते आते ये प्रभाव बहुत बृहद पैमाने पर दिखने लगा, तो फिर ये शुरू हुआ कि जो हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, अब हमको इसकी जगह पे बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा, गोबर की खाद जैसी चीज़ें हो गई। तो 2002 में नया ग्रीन रिवॉल्यूशन, सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, जिसमें इनके द्वारा जो प्रभाव दिखा, गलत प्रभाव जो दिखा पर्यावरण पे, सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे, उसको कैसे दूर किया जाए और उत्पादन को कैसे सुनिश्चित किया जाए, इन सब को साथ लेके सतत विकास के साथ हरित क्रांति पे ध्यान दिया जाने लगा। ठीक है, अब देखो जब उत्पादकता बढ़ी, जब उत्पादकता बढ़ी तो मार्केट में अनाज बहुत ज्यादा हो गया, जब अनाज बहुत ज्यादा हो गया तो अनाज के प्राइस घटने लगे, और जब अनाज के प्राइस घटने लगे तो किसान हतोत्साहित होने लगे कि हम उत्पादन क्यों करें, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है तो अनाज तो चाहिए। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाया जिसका नाम था MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी किसानों को जो लागत लग रहा है फसल उत्पादन में उसका कम से कम इतना प्राइस अनाज का मिले कि वो लागत निकल जाए, जिससे वो खेती करने के लिए हतोत्साहित न हो। पहले पहल ये गेहूं और चावल के लिए स्टार्ट हुआ था, लेकिन वर्तमान में ये 23 फसलों के लिए सुनिश्चित किया जाता है। और इसे कौन सुनिश्चित करता है,
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ये आप याद रखना कि एमएसपी कौन तय करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। ये हो गया किसके बारे में, एम एस स्वामीनाथन वर्सेस ग्रीन रिवॉल्यूशन। ऐसे ही व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे और पीटी के जो टॉपिक हैं उसमें ऑलमोस्ट हमको लग रहा है कि लगभग 30-40% मैंने कवर कर लिए हैं, बाकी हम डेली एक क्लास अपलोड करके आपको ये पूरे टॉपिक को प्रोवाइड कर देंगे। ओके, थैंक यू।